दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धम्म का पुनरुत्थान हुआ। महाराष्ट्र राज्य के ऊपर राजधानी नागपुर शहर में स्थित इस क्रांति भूमि पर बौद्धसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले महास्थवीर चंद्रमणि से बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। त्रिशरण, पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञाएं देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर दलितों को धम्म प्रवर्तन कर बुद्ध धम्म अपनाया। अगले दिन 15 अक्टूबर को चंद्रपुर में 3 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षित हुए। देश तथा विदेश से हर साल यहां लाखों की तादाद पर अम्बेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी आते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को यहां लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धम्म को अपनाते हैं। कोरोना के कारण पाबंदी लगाए जाने से पिछले साल व इस साल भी यहां समारोह नहीं हो सका। 14 अक्टूबर 2015 में 50,000, 14 अक्टूबर 2016 में 20,000 और 25 अक्टूबर 2016 को मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में 5,000 ओबीसी लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह दिन बौद्ध धम्म दीक्षा के लिए क्यों चुना? क्योंकि इस दिन ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धम्म ग्रहण किया था। तब से यह दिवस बौद्ध इतिहास में अशोक का विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 10वीं सदी में बौद्ध धम्म अपना कर भारत से लुप्त हुए बौद्ध धम्म का भारत में पुनरुत्थान किया। दीक्षा भूमि का निर्माण 1978 को शुरू हुआ व 2001 में उद्घाटन किया गया। दीक्षा भूमि के वास्तुकार है शिवदास मोरन मुखा। महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि को अवर्ग ए क्लास पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया है। नागपुर शहर के सभी धार्मियों को पर्यटन क्षेत्रों में यह पहला स्थल है जिसे ए क्लास का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब दीक्षा भूमि की देखभाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति करती है। अशोका विजयादशमी 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर सभी देशवासियों को WH News की ओर से शुभकामनाएं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।